है कुछ नहीं बोलो भाई बड़ी का ने इनको सॉरी पास नहीं तब से गलत ना ना बस बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? कहीं हो आप लोग? सभी अच्छा ही है, मैं भी ठीक हूँ। और सारा कैसे दिखा नहीं है वीडियो में। और ये आज का आप लोग देख रहे होंगे, आज है बीबी का जोड़ा क्रम, जो कि आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था पूरा। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था हम लोग मार्केट में शाम का टाइम है। आज है 11 तारीख। आज 11 तारीख को बीबी के बाल बनेंगे। उसके बाद यहाँ उसके बाद कल उसके मुंडन हो जाएगा। तो यहाँ पे शाम हो गई थी और शाम के समय आप पूरी देखा है, पूरी पकौड़े जो है खाना बनाना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो है पंडित जी भी आ गए थे और यहाँ पे पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे और मैं भी उधर देख रही थी। मैं यहाँ पे शायद शूट कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है किसने शूट किया है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो यहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी और इन दोनों को क्योंकि बन जाना तुम आप लोग देखिएगा फुल वीडियो तो बन जाएगा आप लोगों को। हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारे गढ़वाल में ऐसा ही होता है मुंडन छोड़ा क्रम चल पड़ी हूँ बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है? आप लोग कभी कुछ जरूर करेगा। और यहाँ पे है मेरी दीदी जो उधर पूजा तलवार है दीदी, और यहाँ पे है मेरे छोटे भाई की बीबी और वो यहाँ पे बेल रही है, वो मेरी दीदी तल रही है। क्यों कैन बनाओ वीडियो? नहीं वीडियो बनाओ खाना बना रही है। और अरे यार यूँ पलक दुबे खराब और ज़्यादा खाना मीट वगैरह बाहर पे बन रही है आंगन में भट्टी पे। और ये दूसरा रूम है तो हमने दो रूम लिए हुए हैं, तो ये दूसरे रूम में पूरा खाने पीने का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे चिकन था हमारे 3 kg, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टमाटर वगैरह मेरे चीज़ ने धनिए थे और चिकन वगैरह में कुछ चीज़ें ही बनाएंगे क्योंकि किचन में काम करते हैं, तो इसलिए उन्हें सारी नॉलेज। वो अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे मैं फुल वीडियो नहीं बना पाई और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ गई फिर से शूट करने के लिए, आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। अभी शुरुआती है वीडियो में, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे मेरे भाई शूट कर रहा था वीडियो और 11 तारीख है आज 11-12 को बीबी का मुंडन होने वाला है। और उधर यहाँ पे मेरी उधर है मेरे देवर, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे भतीजे, ये भतीजी है बहुत छोटी है अभी 1-1.5 साल की, भतीजा उधर है मेरा बेटा, सारे एक ही जगह पे खड़े रखे। तो यहाँ पे हमने खाना इन्होंने जो है पूरी और पकौड़े बना दी है और अभी जो खाना है वो बाहर पे बना रहे हैं। लड़के लोग बाहर पे खाना बनाएंगे और अंदर जो लड़कियों का काम है वो ये यहाँ पे हो गया है गैस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने क्या क्या किया। यहाँ पे बेबी देख रहा है
आज क्या हो रहा है, बड़ा का क्या हो रहा है, आज चुप हो रखा था वो एकदम से, कुछ नहीं बोल रहा था। तो अब यहाँ पे फिर से आ गई हूँ मैं वीडियो ये चिकन के सामने। यहाँ पे चिकन आप लोग देख सकते हो, मेरी चीज़ा ने अलग स्टाइल में चिकन बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था रात में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे पूजा करने, और पूजा जैसी पूजा स्टार्ट हुई वैसी ही लाइट चलेगी, बताओ मीन टाइम पे लाइट भाग की, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। तो यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो पूजा तो शुरू करनी थी, और आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरे भाई ने लाइट वगैरह का इंतजाम किया फ़ोन का, और वीडियो शूट भी किया, और पूजा चल रही थी। ये रात का टाइम है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग बताना। उधर पापा है मेरे, उधर मेरे पापा की गोद में बैठा था बेबी, और यहाँ पे मेरी मम्मी है, और यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। हमने बहुत जितना हो सका हमसे, हमने अच्छे से अपने बीवी का मुंडन किया है, जितना हमसे हो सका है हर चीज़ हमने की है। मेहमान भी जिनको जितने हमने बुलाए वो आ गए थे, जिनको नहीं बुलाए वो नहीं आए, और जो नहीं आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, वो नहीं आए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग अपना एहसान अभिमान और जो भी है उसको अपने पास ही रखना, क्योंकि हमको आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हम नहीं चाहेंगे ऐसे होगा वैसे होगा, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, आपके ना आने से मेरा बीबी का मुंडन रुका भी नहीं, ऐसा तो है नहीं आप लोग ना आए और हम नहीं आएंगे और उसका मुंडन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हम उतना आप लोगों को मानती नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बड़े होंगे तो अपने लिए होंगे, बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो है अपने लिए बस, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं मानते। जिन लोगों को हमने बोला बस हमारा फर्ज था, वो हमने कहना नहीं था पर ऐसे ही कह दिया हमने, आते भी तो ठीक नहीं भी तो ठीक, पर अच्छा क्या आप लोगों ने नहीं आया नहीं आए, वरना हमारे जो मुंडन था बीवी का वो उसके वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं यही कहूँगी तब। तो यहाँ पे बेबी था, बेबी सो रही थी और सो रहा था एक्चुअली, तो ये इसको हम जगाने की कोशिश कर रहे थे, सो मत अच्छे से रहे। और यहाँ पे लाइट आ गई थी बहुत टाइम के बाद, एक घंटे के बाद लाइट आई है, उसके बाद फिर पूजा चालू हुई है। बस मैं उन्हीं लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो जिन लोगों को ये सोच है, जो लोग नहीं आए हैं जानबूझकर, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, ना आपका हमारे साथ कोई रिश्ता है, ना हमारे आपके साथ कोई रिश्ता है, ना आपका हमारे साथ कोई रिश्ता है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और नहीं आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग नहीं आए यहाँ पे पंडित जी ने पूजा बहुत अच्छे से की है, बहुत टाइम लगा के मतलब बहुत अच्छे से की है, 2-2.5 घंटे लगाए पूरा पूरी पूजा में, तो बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की है। हरि ओम मां शिवाय स्वाहा हरि आगर
और यहाँ पे अब बेबी के जो है बाल बांधने की तैयारी शुरू हो रही है। तो मेरे को तो आती है नहीं, तो मेरी मम्मी ने किया, मेरी मम्मी ने बांधे बाल, क्योंकि मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा तो मेरे को पता नहीं है। तो मम्मी थी बगल में रखी, तो मम्मी ने बांधे बेबी के बाल और मैं यहाँ पे दे रही थी, जिसमें बांधे थे। अपने देखते रहेगा कैसे होता है, कैसे कैसे बांधे जाते हैं बाल, आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है मुंडन, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे उत्तराखंड में और हमारे गढ़वाल में ऐसे ही होता है मुंडन, रात में बाल बांधे जाते हैं और सुबह जो है मुंडन होता है। तो यहाँ पे देवी जो है वो बहुत रो रहा था, उसको नींद आ रही थी और उसको बाल बाल में तो वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो बहुत रोता है, बाल उसके बहुत लंबे हैं, बाल और लंबे भी हैं और सुंदर भी बहुत है उसके बाल, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए वो रो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है बाल में, इतना रो रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है उसके बाल बांध रही है। इसके यहाँ पर हम चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चुप नहीं हुआ और लगभग सारे जितने जिन लोगों को हमने बुलाया था, जो हमारे खास थे, वो लोग आए गए थे, जो हमारे अपने थे, मेरी मम्मी पापा भाई बहन और मेरी दीदी जीजा जी, वो सब आ गए थे, और मेरा देवर जी अमित वो भी आ गए थे मसूरी से। तो रेस्ट जिन लोगों को हमने बुलाया, जो हम जिन लोगों को हम चाहते थे, मतलब बुलाने के लिए तो हम हर किसी को बुलाते, लेकिन जिन लोगों को हम चाहते थे कि वो लोग आए, तो वही लोग आए, जिनको हम चाहते थे ये लोग आए तो वही लोग आए, तो अदरवाइज और लोग नहीं आए, जिन लोगों को हम नहीं चाहते थे। ओम मरी हरि भगवान सह 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 स
तो यहाँ पे बहुत टाइम से चल रही है पूजा पाठ, क्योंकि पंडित जी ने बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा की है। 2-2.5 घंटे लगा के बहुत अच्छी तरीके से पूजा की है। तो अभी अब पूजा के बाद और हमारा होगा खाना पीना। अभी खाना देखो नहीं बना कि नहीं बना। तो खाने में हमने बनाए रखा था चिकन और राइस, पापड़, सैलेड, पूरी, पकौड़े और क्या कहो, हाँ ये सब चीज़ सब। और आप लोग देख सकते हो इसके बाद अब पूजा संपन्न हो गई है। यहाँ पे पंडित जी लगा रहे सब टीका, तो बहुत टाइम से जिस चीज़ का इंतजार था वो ख़त्म हो चुका है। देवी का मुंडन के लिए बहुत सभी से इंतजार था कब 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 होगा, तो फाइनली वो दिन आज है जिस दिन आज भी। तो यहाँ पे मेरा भाई शूट कर रहा था, तो मैं इसको दिखा रही हूँ कैसे लग रहा है बेबी के पार, कितने सुंदर लग रही बेबी। और ये वाले सूट जो भी मैंने पहने ये मेरी दादी लेके आई है, टी शर्ट और ऊपर यहाँ पे मेरी चीज़ें लगा रही है। चिकन का जो अपन का यहाँ पे बन रहा है चिकन, यहाँ पे शेफ आदमी जो है अपन इधर में क्या बन रहा है, एक गैस वगैरह लगा रखा है, चिकन बन रहा है। आओ और यहाँ पे मेरी चीज़ें बना रही हैं चिकन, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी चिकन बनाया उन्होंने, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कितना बड़ा बड़े बड़े पतीले लगे थे, लोग ज़्यादा थे तो बड़े बड़े। तो यहाँ पे देख रहे चिकन बन गया है, चिकन